हे गाइस व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम अरसलान एर वाचिंग अरसलान द राइडर यूट्यूब चैनल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूँ यमा के शोरूम में। देख सकते हो एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और कुछ चीज़ें ऐसी यूनिक होने वाली है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा लंबा करते और आपको बताते हैं हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या बातचीत है और क्या कुछ है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइड हो गया गांधीनगर का हॉस्पिटल इस तरफ से और मैंने हेलमेट लगा लिया, मास्क इसमें आता नहीं है तो मैंने लगाया नहीं। तो अभी नासिर इस बारे गली में गया है साइबर कैफे में, उसको कुछ काम था और इस तरफ से देख सकते हो मार्केट, ये सारी दवाई की दुकानें हैं और मार्केट आलमोस्ट ओपन है और इस तरफ से देख सकते हो यह है हॉस्पिटल और इस तरफ से ऐसा चल पहले इस तरफ से बाकी को दिखाऊँ, देख सकते हो कैसी रौनक है यहाँ पर। और अभी मैं बाइक पर हूँ अपनी और बस थोड़ा साइबर कैफे में काम है और बाकी आगे देखते हैं, अभी कितना एक्साइटेड है, क्या है क्या कुछ नहीं है वो आपको पता चलेगा। तो आप चलो आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ शोरूम के अंदर और ये मेरे सामने नासिर बाइक देख रहा है। मैंने देख ली सारी बाइकें, ये लाइन में बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं इस तरफ से, ये वाली बाइकें देख सकते हो, बस अब देखेंगे। और इस तरफ से हमारे भैया दिखा रहे हैं हमें बाइकें जितनी भी हैं, सारा स्टॉक इन्होंने दिखाया। आप जो पसंद आती है वो लेके जाएंगे, कौन सी लेके जाएंगे वो बाद में आपको बताएंगे, पहले मैं देख रहा हूँ तो बाकी फिर बात करते हो। मेरी मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो मॉडल मेरे पास है, चलो इसका प्राइस भी दोबारा से हम पूछ सकते हैं, पूछेंगे इनसे। भैया हमारे हैं यहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं शायद इनके, और इसकी लुक देख सकते हो कितना बढ़िया स्टॉक आया इनके पास यार, हद से ज़्यादा स्टॉक अभी अवेलेबल है इनके पास। ये सारी यामा की R15 आगे लगी हुई हैं और पीछे ये भैया जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं ये अभी बाइक का कुछ रैप कर रहे हैं और नासिर बाइक देख रहा है। और इस तरफ से देख सकते हो कितने मॉडल्स आए हुए हैं, ये बढ़िया एकदम से चकास मॉडल हैं सारे और पीछे भी बाइकें रुकी हुई हैं। और ये जो शोरूम है ये है रॉयल यमहा, यहीं से मैंने ली थी अपनी वाली बाइक और सर्विस अच्छी है, बहुत बढ़िया शोरूम है, अगर आपने लेनी है तो एक बार विज़िट करना। और इस तरफ से स्कूटियां हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कूटी कैसी है यहाँ पे। और इस तरफ से देख सकती हो स्कूटी कितनी बढ़िया और ज़बरदस्त आई हुई है यमहा की, एकदम से गाड़ी ना 2 साल की ओनरशिप अभी मेरे पास है यमहा की, तो एकदम से बढ़िया 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। और इस तरफ से देख सकते हो कितना स्टॉक आया हुआ है इनके पास और अंदर भी जितना स्टॉक है, बाकी इनका गोदाम में भी स्टॉक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे यमहा यह है ऊपर रॉयल यमहा, नेशनल हाईवे 44 मलिक मार्केट व्यू मॉल के अपोजिट, तो देख सकते हो कितना बढ़िया है। अभी मैं शोरूम के अंदर आ गया हूँ और आपको मैं यहाँ का स्टॉक दिखाता हूँ अंदर का कैसा है। बाहर भी इनका स्टॉक भरा पड़ा हुआ था और अंदर भी इनका स्टॉक ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा बाइकें और 4-5 स्कूटियाँ लगी हुई हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर का स्टॉक है, बैक साइड से देख सकते हो ये सब बाइकें लगी हुई है, FZ की वर्जन में है, वर्जन 3 वगैरह पीछे है, R15 वर्जन 3। और इस तरफ है नासिर बाइक और स्कूटी देख रहा है, कुछ बाइकें यहाँ लगी है कुछ इस तरफ, और अंदर का माहौल बहुत बढ़िया।
हम आ गए हैं शोरूम से वापस और मेरे बैक साइड आप देख रहे होंगे यामा का शोरूम। नीचे सारी बाइकें लगी हुई हैं, इस तरफ भी सारी बाइकें हैं। भैया ने अच्छे से दिखाया बिखाया वो ये, और इफाक भैया ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया जो यहाँ के ओनर हैं रॉयल यामा के। इफाक भैया उनके साथ अच्छी मतलब कोऑपरेशन अच्छे से हुआ, क्योंकि पूरा बाइक्स वगैरह हमने देखी और हमारी बाइक बुक भी हो गई और हमने ले भी ली है। और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं, ये फिलहाल मेरी आर्सलन 5 वर्जन 3 जो ऑलरेडी है, और थोड़ी देर बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। अभी फिलहाल खाना खाने जा रहे हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सी बाइक ली और कितने की पड़ी, सारा कुछ आपको इन डिटेल बताते हैं। चलो फिलहाल मैं खाना खाने के लिए निकलता हूँ, तो अब नासिर मेरे साथ हैं, ये नीचे बाइक और स्टार्ट करके निकलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। और खाना खा के रेडी हो गए हम, अब हेलमेट एक लेना है नासिर, नासिर और मैं साथ में हेलमेट एक लेना है, हेलमेट लेने जा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है, हेलमेट लेना भी ज़रूरी है। पीछे होटल है बिस्मिल्लाह नरवाल में है, बढ़िया है। अब हेलमेट लेने जाएंगे, उसके बाद से सीधा शोरूम जाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। चलो बाय। हम यहाँ आए हैं देखने के लिए, क्योंकि दुकान पे और यहाँ पे उतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जुगाड़ी हेलमेट मिल जाता है जो ये रेडी वगैरह लगाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम इन्हीं से ले लें अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको भी फेस हो रही है मतलब, तो हम चाहते हैं कि इनके पास ही कोई हेलमेट वेलमेट ले लें। तो अभी ये नासिर और तासिर देख रहे हैं हेलमेट यहाँ का कैसा क्या है, वो अच्छा सा ले लेंगे, है ना। लॉकडाउन के कारण थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप भी कृपया करके इनसे हेलमेट जो भी लेना है, सब्जी वब्जी वगैरह रेडी वालों से लिया करो, तो इनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी और हेलमेट को हमारी नई बाइक। और एक्चुअल में ये गाड़ी जो है ये मेरे एक दोस्त है नासिर, उसने ली है और ये हमें पड़ी है। टोटल ऑन रोड प्राइस इसका है 1,27,000 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 26 समथिंग, बट 27 आप समझ सकते हो, हमें जम्मू में पड़ी है और एकदम बढ़िया है। मैंने चलाई थोड़ी सी, एकदम जकास, और इसको मैं थम्सअप देता हूँ। बाकी इनकी सर्विस को अगर मैं रेट करूं तो सर्विस इनकी बहुत अच्छी थी। एक दिन में हमने यहाँ पे इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन और एक दिन में ही हमें ये गाड़ी मिल गई, और बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है, और इनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल था यहाँ पे। इस तरफ से स्कूटियों का स्टॉक भी इनके पास था, और इस तरफ से अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको बाइक्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक इनके पास अवेलेबल है यहाँ पे। और ये वाली बाइक मुझे पसंद थी पहले से ही, लेकिन मैं इसको परचेस नहीं कर रहा था इसलिए, लेकिन अब इसने परचेस कर ली, समझो ये मेरी बाइक है। बाकी नासिर को भी सर्विस अच्छी लगी, मुझे भी सर्विस अच्छी लगी, और नासिर अभी आ रहा है अंदर से। तो अभी हमारी गाड़ी पे एक नंबर लग रहा है, पहले टेम्परेरी नंबर लगता था लेकिन अब टेम्परेरी नंबर नहीं लगता है, अब RDO से ऑटोमेटिकली वहाँ से वो रिक्वेस्ट जाती है और उसी टाइम ऑन स्पॉट नंबर अलाट हो जाता है, और हमारा नंबर भी आ गया है। और सुमित भाई हमारे यहाँ पे लगा रहे हैं नंबर, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ के, सर्विस अच्छी थी, तो अभी सुमित भाई लगे हुए हैं नंबर लगाने में, और नंबर लगाने के बाद एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। देख सकते हो नासिर अभी फ़ोटो खिंचवा रहा है, बहुत खुश है, और हमारे तासिर हमने फोटोग्राफर बुलाया है स्पेशल फ़ोटो खींचने के लिए।